बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तासीर, वेलकम टू मे चैनल तासीर हंटिंग। तो आज एक स्लिंग शॉट का एक रिव्यू है, ठीक है। गोल्डन लेजर स्लिंग शॉट है जिसकी पैकेजिंग आपको आपके सामने, ठीक है। तो ये भी न्यू स्टॉक में अवेलेबल है और अब इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है इस बॉक्स में से, ठीक है। ये स्लिंग शॉट उनके पैकेज में है, ठीक है। अभी इसको ओपन करते हैं। ये जो है ना, ये इसका गत्ता जो है ना वो ये इसकी पैकेजिंग में है, ठीक है। इधर से इसको ओपन करना है, ये सिंपली ये है। चलें देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, ठीक है। तो इसमें ये सबसे पहले तो ये रबड़ नज़र आए हैं, ठीक है। तो 1, 2 and 3 and also 4, ठीक है। तो ये 4 रबड़ इसमें निकले हैं, ठीक है। तो 4 रबड़ इसमें, ये मेरे ख्याल से इसमें 2 रबड़ जो हैं, ये रबड़, ये वाले जो रबड़ हैं ये दोनों जो हैं 0.8 mm के हैं। इसके अलावा ये जो 2 रबड़ हैं ये 0.65 mm के हैं, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा बॉक्स में और देखते हैं क्या निकलता है। ये 4 रबड़ है इसके साथ, ठीक है। और इसके अलावा ये इसके साथ इसकी स्टील एम्बोज है 6.37 mm की, ठीक है। इसका डायमीटर है और ये 50 बोल्स हैं इसके साथ, इसके साथ ये 50 बोल्स हैं इसकी, ये देखिए। और इसके अलावा देखते हैं क्या निकलता है इसमें। ये स्लिंग शॉट है जी, ये हमारी स्लिंग शॉट, ठीक है। अभी इसको देखते हैं जी, ओपन करते हैं इसको। इसका आपको मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में। ये जी बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, स्पेशली फॉर 90 डिग्री शूटर्स, ठीक है। जो है ना ये इसका कंस्ट्रक्शन है रबड़ बांधने के लिए, ठीक है। ये दोनों साइड पे, ठीक है। इसको आप लूज़ और टाइट करके इसके साथ रबड़ बांधते हैं, ठीक है। ये देखें, और ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये इसका आपको साइज़ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो है इसका जो ये गोल्डन कलर का ये जो इसका ग्रिप है, ये है हार्ड प्लास्टिक में है, ठीक है। जिसके साथ इसका ये जंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ इसको नीचे वाला इसका इस हिस्सा जो है ना वो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये है ऊपर वाला जो है ये मेटल है, एल्युमिनियम इसके ऊपर लगा हुआ है। एल्युमिनियम का जो है ना ये मटेरियल है और बड़ी ज़बरदस्त इसकी जो चीज़ है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और 180 ग्राम का इसका टोटल वेट है इसका, ठीक है, विद इसकी एक्सेसरीज के साथ, ठीक है। अब इसकी एक्सेसरीज देखते हैं जी, इसमें क्या है। एक्सेसरीज में जी आता है, इसको ज़रा साइड पे करते हैं, आपको दिखाता हूँ जी। ये एक्सेसरी में आ गया जी, इसकी सारी एक्सेसरीज ओपन हो गई, ठीक है। तो ये जी इसका वाटर लेवल है इसके साथ है, इसकी ये लेज़र है जो कि नाइट में वर्क करती है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। ये देखें जी, ये चल रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त लेज़र भी इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। लेज़र होगी, इसके अलावा ये लेज़र के लिए इसको फिट करने के लिए, बाकी ये इसकी एलकी है और साथ में कुछ जो है ना ये स्क्रू हैं, ठीक है। और ये कुछ फाइबर ऑप्टिक्स हैं, ये देखें जी, ठीक है। तो ये भी जो है ना एमिंग में हेल्प करती है, हेल्प आउट करती है। तो मैं इसको बांध के दिखाता हूँ ये किस तरह वर्क करती है और इसका क्या मुकम्मल तरीकाकार है, ठीक है। तो ये भी जो है ये गोल्डन वाली है, ये इसका ग्रिप हार्ड प्लास्टिक का एल्युमिनियम की ये है। इसके अलावा हम इसके ऊपर रबड़ लगाते हैं, चलो इसके साथ ये हम रेड वाला लगाते हैं। तो इसके साथ जो है ना इसके मुकम्मल पैकेज में 4 रबड़ आ रहे हैं, इसमें 50 बॉल्स हैं, उसके साथ इसकी गुलेल है, स्लिंग शॉट है, स्लिंग शॉट के साथ इसकी मुकम्मल एक्सेसरीज हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसके साथ आपने इसको ये रबड़ आपका ये इसको लूज़ करना है, लूज़ करने के साथ आपने इसको इधर रखना है, ठीक है। रखने के साथ आपने इसको इसके साथ जो है ना इसको टाइट कर देना है, ठीक है। हाथ के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ, ये देखें ना ये इसका बना हुआ है, ये जो है ना इसको आपने इधर से टाइट करना है, ठीक है। सिंपली आपने दूसरी तरफ से भी ऐसी करना है। और अभी ये देखें जी, ये इसका रबड़ मुकम्मल तौर पर इसके लग गए हैं, मुकम्मल तौर पे इसके रबड़ इसके लग गए हैं, इधर से भी इधर से भी। अभी इसको लेवल को बांधना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मेरी जहन में रखिएगा, जो आप हैं अगर लेफ्ट हैंड में इसको यूज़ करते हैं इस तरह 90 डिग्री पे, ठीक है, तो लेवल आपने लगाना है इसके इधर आपने नीचे की जो आपका मतलब लेफ्ट हैंड में, मेरे अभी लेफ्ट हैंड में है, ठीक है। तो इधर आपने लेवल लगाना है और इसके ऊपर लेज़र लगानी है, ठीक है। तो इधर लेज़र एंड इधर, अगर मैं राइट हैंड में यूज़ कर रहा हूँ, राइट हैंड राइट ही हूँ, तो इसमें फिर मेरे पास लेज़र इधर लगेगा, लेवल इधर लगेगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल दूसरी तरह, ठीक है। अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लेवल अपनी इधर ऐसे पकड़नी है, तो मैंने तो लेफ्ट हैंड में, तो मैं इधर लगाऊंगा इसको, ठीक है। ये लेज़र के लिए है, ओके। ये जी इसमें ये लग गया इधर, ठीक है। सिंपली आपने इसको जो है ना वो आपका जो एलकी है, एलकी के साथ इसको आपने ऐसे लगाना है इसके अंदर, और सिंपली इसमें आपने इसको टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये इसका जो है ना प्रॉपर इसको इंस्टॉल करने की ये इसका तरीकाकार, ठीक है। आपने इसको मोल्ड टाइट कर देना है, ठीक है। ये टाइट हो गया। और इसके अलावा सिंपल आपने जो इसका लेवल होगा,
अभी पहले लेज़र को लगा लेते हैं, ठीक है। लेज़र पर आपने इस तरह रखना है, ये देखें इसमें आपने लेज़र लगाना है, तो इधर आपने इसको रख के इधर, ठीक है। तो जो इसका ये वाला जो है ना सुराख है, सुराख में आपने ये वाला जो है ना इसका जो पेच है, स्क्रू जो है, इसको आपने सिंपली इसमें ऐसे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपने इसको टाइट करना है, ये आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये टाइट हो गया, टाइट हो गया, ये देखें भाई, ठीक है। इसको मुझे टाइट कर देते हैं, ये जो टाइट हो गया, ठीक है। अब ये फिट हो गया था, इसको अब ऐसे लेज़र को ऑन कर लें, ठीक है। ये अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ये देखें अभी बिल्कुल दूसरी तरफ आपने यही इधर ही जो है ना इसको लगाना है, लेवल को भी सिंपल लेवल को लगा के बिल्कुल वही पहले वाला सीन सारा, ये दोनों तीन तरफ से फिट हो गया, ठीक है। ये देखें जी, अभी ये मैंने पकड़ा है, ये इसका रबड़ है, इसमें आपने गोली डालनी है अपना एमिनेशन। तो ये इसकी बॉडी है और ये इसका रबड़ है, और इसका पाउच ज़रा चेक करें, ये देखें जी, इसका पाउच है बिल्कुल जी, पाउच का ये वाला हिस्सा जो है ना, जो सेंटर वाला एरिया है सेंटर, इसमें आपने गोली को रखना है। सपोज डैट कि ये आपकी बुलेट एमओ है, ठीक है। इसमें एमओ को आपने बिल्कुल इस पाउच के बिल्कुल मरकज़ में रखना है, ठीक है। इधर रख के ये आपने इसको रख दिया, इधर रखने के बाद आपने अपने ये थंब, ये आपका अंगूठा है, ठीक है, इसको बोलते हैं थंब, थंब थंब हो गया, और ये आपकी फ्रंटल फिंगर, बिल्कुल आपने इस फ्रंटल फिंगर के मिडल में हिस्से में रख के और इस गोली को पकड़ना है, ठीक है, छोड़ने के लिए। बिल्कुल ये तरीका कार इसका, ये थंब हो गया और इसके अलावा आपका ये फिंगर होगी। फिर आपने इस ग्लेल को ड्रा करना है, ड्रा करने के बाद फिर आपने इसको छोड़ना है, ठीक है। ये देखना अभी आप, मैं छोड़ नहीं रहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तरीकाकार है। अगर आप इसको पकड़ेंगे, और आप ये भी ख्याल रखना है कि ये वाला जो है ना हिस्सा, ये गोली डालने के बाद ना आपने इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ना ही आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। बिल्कुल आपकी दोनों मेजरमेंट की तरफ से, दोनों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर हो, दोनों तरफ से बराबर हो, और आपकी सेंटर में बुलेट हो, ठीक है। और आपने इसको इस तरह पकड़ना है, बुलेट को पकड़ के छोड़ना है, ना कि आपने पाउच को पकड़ना है। कोशिश करनी है बुलेट को पकड़ें, अगर आप इसको पाउच को पकड़ के छोड़ेंगे तो आपका वो मिसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका मुकम्मल रिव्यू स्लिंग शॉट का, बड़ी ज़बरदस्त है, स्पेशली जो है ना 90 डिग्रीज़ के लिए, ठीक है, जो 90 डिग्री हैंडिंग करने, क्योंकि उनकी ग्रिप उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। 180 डिग्री भी शूट हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल ये है और 90 डिग्री एंगल ये है, ठीक है। तो ये इसका मुकम्मल है रिव्यू, और ये बड़ी अच्छी बॉडी है इसकी, मजबूत है, इसका जो कलर है वो भी नहीं उतरता, ठीक है, ये काफ़ी जो है ना मजबूत चीज़ है। अब आखिरी चीज़ ये है कि जो इसकी ये फाइबर ऑप्टिक्स है ना, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी फाइबर ऑप्टिक्स है, ये इसका क्या मकसद है इसके साथ। अभी ये जो हमने लगाया ना इसके साथ, ये वाले जो इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो सुराख हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इसके अंदर है, आपने बिल्कुल इसके अंदर इसको डालना है, बिल्कुल आपने जी बिल्कुल डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, इनके जो साइज़ का आपने कट करना है, ठीक है, बिल्कुल इतना इधर से आपने कट कर देना है, इस जगह से बिल्कुल इस जगह से कट करके आपने दोनों तरफ से लाइटर को लगाना है, लाइटर को इसके साथ हल्का हल्का इसको पिघला देना, ताकि ये बिल्कुल पिघला के आपने, ताकि जो है ना वो ये जो है ना वो इसके साथ चिमट जाए, ठीक है। तो बिल्कुल आपने पहले इसमें डालना है, फिर इसमें, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, ठीक है। और बिलतरतीब तीन दो कलर के हैं, एक में आपने रेड डालना है, दूसरे में आपने जो है ना इसके में ग्रीन डालना है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। इस एक में रेड, और ये बिल्कुल आपने कंजेक्टिवली रेड एंड ग्रीन डालने हैं, ठीक है, बिल्कुल ये चार इधर हैं और चार एमिंग साइड्स इधर हैं, ठीक है, बिल्कुल इसमें डाल के आपने इसका साइज़ का कट करके इसे नहीं डालना है, दोनों तरफ से लाइटर को, लाइटर के साथ आपने इसको पिघला के, ताकि चिमट जाएँ साथ, क्योंकि ये प्लास्टिक की हैं, ठीक है, तो ये इस तरह ये चिमट जाएंगे। अच्छा जी, ये इसका मुकम्मल रिव्यू है, ठीक है, ये साथ इसके चार ये फाइबर जो है ना ये ऑप्टिक्स हैं, ये इसकी एल की जो जिसके साथ आपने इसको स्क्रू टाइट करने हैं, बाकी इसके साथ चार रबड़ होंगे ये स्लिंग शॉट के साथ, ठीक है। और इसके अलावा बाकी ये इसके स्टील बोल्ट हैं, 50 में बोल्ट होंगे, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और ये इसका लास्ट में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका डब्बा है जिसमें ये पैक हुई है फिलहाल, ठीक है, ये देखेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच, ये इसका मुकम्मल रिव्यू था। जिस भाई को भी चाहिए, हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, और इसके अलावा जो है ना इसका अगर आपको लिंक चाहिए वेबसाइट का, तो आप वेबसाइट पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में 1 से 2 दिन की इसकी डिलीवरी है, ठीक है, वर्ल्ड ओवर इसकी जो है ना शिपिंग है, ठीक है। पाकिस्तान में जो कस्टमर हैं इसके, वो आप इसको जो है ना 1 से 2 दिनों में आपके पास सामान पहुँच जाएगा TCS के थ्रू, और इसके अलावा जो है ना वो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो भी आप हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें, तो इंशाल्लाह आपके पास सामान पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।